जैसे ही सत्ता संभाली है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तब से ये वो हमारी प्रेरणा का स्रोत हो गए, क्योंकि वो खुद योग करते हैं और योग का लाभ मालूम है कि वो 18 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं देश के लिए, तो योग हमको निरोग बना देता है। और जब हमको निरोग बना देता है तो आप जानते हैं कि ये शिक्षा की परिभाषा है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, द बॉडी साउंड माइंड विल ऑटोमेटिकली रिमेन साउंड। तो जब हम निरोग हो जाते हैं तो कार्य करने की इच्छा होती है, जंग कार्य करते हैं। और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं कार्य कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका जब गए थे वो जो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो अमेरिका जब गए नव दुर्गा का अवसर था, उन्होंने उपवास रखा, केवल नींबू पानी लिया और उसी से वो उसी जोश खरोश से वहाँ भाषण देते रहे। और आप श्रोतागढ़ जो है ऑडियंस बहुत ही जहाँ गए वहाँ ऐसी स्थिति थी, ये सब योग का ही प्रभाव है। मैं योगी दात्रे और वायरा डिफेंस क्लासेस यहाँ कंदौली रोड संतेश्वर आश्रम के सामने संचालित होती है, और इन्हीं क्लास के नेतृत्व से और हमारे संघ और पार्टी के सानिध्य में ये हमने कार्यक्रम रखा है, जिससे हम जो है एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, महर्षि पतंजलि द्वारा जो योग दर्शन की रचना हुई थी, वो जो भारतीय संस्कृति है वो आगे भी बढ़े और उसका संचालन आप युवाओं का कोचिंग भी चलाते हैं, युवाओं भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए यही है कि मेरा मानना यही है कि जैसे किसी घर की नींव जितनी मजबूत होगी, घर का जो है मजबूती उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मेरा भी मानना यह है किसी देश के निर्माण में युवा की भागीदारी ज़्यादा है। तो हमने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को युवा योग दिवस के नाम से मनाया है। शाम को योगा दिवस मनाने का कोई मुख्य तरीका? मुख्य ये था कि सभी लोगों ने सुबह मनाया, तो हमारा हमें कुछ अद्वितीय करना है, लोग जो है शाम को आकर से हम ये चाहते हैं कि हाँ अद्वितीय के कारण ही। देवेंद्र कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सह जिला कार्यवाह। यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर नियमित योगा सह खेल, इनके माध्यम से युवाओं में या अन्य जो स्वयंसेवक बंधु आते हैं उनके शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास का भी प्रयोग रहता है। ज्यादातर लोग युवा होते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए, योग कितना महत्वपूर्ण होता है? हाँ, जैसा कि योग का नाम है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जीवन की शैली में कुछ जुड़ जाए, इस नाते से योग को करने का प्रयास हर युवा के साथ साथ, मैं तो मानता हूँ युवाओं के साथ साथ वह अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी योग कराएं। जैसे नाम है ना युवा, युवा को यदि उल्टा करें तो वायु हो जाता है, तो वायु की तरह उनके शरीर में एक तरह से जैसे वायु छलकता आती है, वायु बड़ी तेज चलती है, कुछ भी कर देती है, ऐसा ही युवाओं को भी अपनी वायु के समान शक्ति रखनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, युवाओं को वायु के समान प्रचार करें।